बांका में झारखंड के देवघर बाबा धाम से पूजा कर लौट रहे एक कांवरिया से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं 19 कांवरिया गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें से 5 कांवरिया को गंभीर अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रिफर किया गया है। घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सभी घायल दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना गुरुवार देर रात की है। शुक्रवार की सुबह 5 कांवरिया गंभीर स्थिति देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रिफर किया गया। जानकारी के अनुसार बांका के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर सुल्तानगंज मुख्य सड़क मार्ग के पास बिजी खोरवा मोड़ के पास कांवरिये से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को आनन फानन में बेलहर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उपचार करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए 5 कांवरियों को सदर अस्पताल रिफर कर दिया गया, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों में दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्मा डी निवासी मंगल साहनी, सुभाष साहनी, वीरेंद्र राय, बबलू साहनी, बलवीर साहनी, जगन्नाथ साहनी, मुकेश साहनी, छोटे साहनी, मुन्नी साहनी, जहांगीर साहनी, सहावर साहनी, टिंकू साहनी आदि शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया बाबा धाम से पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। सभी जख्मी कांवरिया दरभंगा के रहने वाले हैं, जो झारखंड के देवघर से पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। गुरुवार की देर रात बेलहर थाना क्षेत्र के पास अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गई, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को आनन फानन में बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सभी घायलों की पहचान दरभंगा के रहने वालों के रूप में की गई है। घटना को लेकर बेलहर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि सभी घायलों को बेलहर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां 5 की स्थिति गंभीर देखते हुए भागलपुर का मायागंज अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रिफर किया गया है। देसडी न्यूज़ के लिए बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।